अब तुम चुपचाप जाकर गेम खेलो और इसका ध्यान अपने ऊपर बैठाओ, ताकि वो जो शक तुम पर कर रही है थोड़ी देर के लिए वो दूर हो, ताकि मैं अपना काम खत्म कर सकूं। तुम्हारा कौन सा काम? वही जो तुम्हें करना था। इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम टर्न करने वाली। इसने कुछ सुना नहीं तो वैसे मुंह क्यों बना रहा है? तो हमेशा मुझे देख के चिढ़ती थी, अब देख के स्माइल कर रही है। दासी, आप बोलिए ना, आप बोलेंगे तो मना नहीं करेगी। I mean, अब मना नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता कि उसे खेलना चाहिए। देख अभी का मूड। दासी, अब मैं बोलूंगी तो लोग बोलेंगे कि मैं बोलती हूँ। सीधी सी बात है ना, आप दिशा को देख लो। दिशा ने पूरब को आंख बंद करके पहचान लिया क्योंकि वो उसे प्यार करती है। तो ऐसे अगर तनु ये गेम खेलेगी और अगर वो भाई को पहचान लेती है तो पता चल जाएगा ना कि भाई से कौन ज्यादा प्यार करता है, तनु या प्रज्ञा। प्रज्ञा, तो गेम खेल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा ना? नहीं आली, शायद ये ठीक नहीं होगा। बस इसे किस्मत का खेल समझ लीजिए। अब देखिए, ये भी तो हो सकता है ना कि हम ये गेम खेलें और तनु आंखें बंद करके भाई को पहचान ले और प्रज्ञा आंखें बंद करके अपने हस्बैंड किंग को पहचान ले। तो इससे साफ साफ साबित हो जाएगा कि भाई की किस्मत में तनु है और प्रज्ञा की किस्मत में किंग। यू नो, जस्ट फॉर क्लैरिटी। हाँ, जस्ट फॉर क्लैरिटी। बट आलिया, ये भी तो हो सकता है ना कि प्रज्ञा किंग की जगह अभी पर हाथ रख दे, क्योंकि तुम भूल रही हो ये गेम सिर्फ बंद आंखों से नहीं, दिल की आंखों से खेला जा रहा है। ठीक है, तो बोलिए तनु को खेलने के लिए। बोलो ना दासी। मेरा ख्याल है तनु तुम्हें ये गेम खेलना चाहिए। ओके। प्लान की पहली स्टेज क्लियर, अब दूसरी स्टेज क्लियर करनी है। दासी, आप ये क्यों? अरे अभी चल ना, खेलना बड़ा मजा आएगा, क्यों शर्मा रहा है ऐसे? अभी आजा, सब साथ में लाइन में लगते हैं, कम। सुनिए, अगर हम आलिया की बात दूसरे एंगल से सोचें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है जीजू को दीदी के करीब लाने का। देखिए, हम तो समझ ही चुके हैं ना, ये गेम दिल से खेला जाता है, फीलिंग से जीता जाता है। तो अगर दी का दिल उन्हें जीजू के पास दे गया तो अपने आप सबको पता चल जाएगा कि आज भी उनसे प्यार करती है। जीजू को रियलाइज हो जाएगा। सुनिए ना, ये अच्छा मौका होगा इसे कियारा के बारे में बात करने का, है ना? और शायद भगवान भी यही चाहते, इसलिए ये सब हो रहा है। और अब तो मेरा दिल भी यही कहता है कि प्रगति का दिल उन्हें अभी के पास ले जाएगा। तनु भी तैयार हो गई, अभी भी तैयार हो गया, तो आप सब लोग भी आ जाइए, इस कंपटीशन को थोड़ा सा टफ बनाते हैं। आइए आइए आइए। अरे राजा साहब, इधर उधर क्या देख रहे हैं? आप भी तो आइए स्वयंवर की लाइन में। आइए आइए आइए, यहाँ विराजमान होइए, राजकुमारी आने ही वाली है। ए, तालियां। ये किस लिए? क्या किस लिए? Why is smiling at me? That's why you please come in. ऐसे कहिए थोड़ा मेडिटेशन करे, अच्छा रहेगा।
मुझे नहीं खेलनी है गेम। अब तनु मुझे ढूंढ लेगी और प्रज्ञा की सारी बात सच हो जाएगी। आप तनु से ही शादी करना चाहते थे, इसलिए दादी की बात को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर मुझे सुनाया और मुझे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया, क्योंकि उससे शादी करने से तो मैं ही रोक सकती थी ना आपको। मैं तनु से प्यार नहीं करता, मुझे प्रज्ञा का इल्जाम नहीं सुनना, पर क्या करूं? Yes. ये हुई ना बात। देख पिताली ठीक से लग रहा है? दिख रहा है ना तुमको? ये देखो, बोलेगी थोड़ी ना ये। ये देखो, ओहो, सब दिख रहा है उसको। आपको पता ना मुझे इस गेम में चीटिंग पसंद नहीं है। अच्छा, ये देखो कौन बोल रहा है कि उसे चीटिंग पसंद नहीं है। मेरी बात अलग है, आप हटिए, मैं इसे पट्टी बांधती हूँ। ऐसा बांधूंगी ना गांधारी की तरह ये पट्टी कि इसे कभी कुछ नहीं दिखाई देगा। मेरा मतलब है अभी नहीं दिखेगा। हाँ जॉन, जॉन। यस मैम। पर जाके आलिया से कहो कि मेरी अलमारी में से गिफ्ट बॉक्स निकाल के दे, लाल रंग का बॉक्स होगा जो मुझे दिशा को देना है। ओके मैम। अलमारी चाबी कहाँ है? आलिया के पास ही है। कनु, दुनिया कैसी है? क्या? मैं बताती हूँ। देखो, अरे सीधे सीधे चलो। मैं, अरे यार मुझे दादी वाला काम इन्हें बताना ही होगा वरना दादी मुझे डांट लगाएंगी। मैम नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी हर बात मान ली, अब मैं नहीं मानूंगा। पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरी मम्मी है। आप आपकी मम्मी से डरते हो? बेटा अपनी मम्मी से कौन बच्चा नहीं डरता है? झूठ बोल रही है वो। आप झूठ बोल रहे हो? आपने कब देखा मैं अपनी मम्मी से डरती हूं? जब भी कोई गलती करती है ना डर के मारे छुप जाती है। उससे बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ तो मैं भी डांट से बचने के लिए तुम्हें मना कर रहा हूँ, पर डांट क्या, मुझे तो मार भी पड़ सकती है। नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता लूंगी। तुमने उनकी मार नहीं देखी है, तुम मुझे भूत बनने को बोल रहे हो ना, तो मुझे मार मार के भूत बना देगी। वैसा सीन देखने वाला होगा कि एक भूत मार खा रहा है। मेरे प्यारे चाची, मेरे अच्छे चाची, मैं आपको बचा लूंगी, पर प्लीज मान जाओ ना, प्लीज 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 प्लीज। पर मेरे पास तो भूत की ड्रेस ही नहीं है। तो मैं अरेंज कर लूंगी। तुम क्यों यहाँ खड़े हो? चलो इधर आ जाओ। अरे चलो आओ। तनु उधर किधर जा रही है? अरे मम्मी जी पूछ क्या रहे हैं? घर से बाहर की तरफ जा रही है। मेरा मतलब है अपने मायके जा रही होगी, और कहाँ जाएगी? काश ये ऐसे ही अभी की जिंदगी से भी बाहर चली जाए। यू टर्न ले, मायके नहीं ससुराल जाना है। चल इधर मुड़ जा। सीधे 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 सीधे। अरे राइट जाओ राइट जाओ। सीधे 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 चुप हो जाओ प्लीज। आप लोग मुझे और कंफ्यूज कर रहे हो, मैं खुद ढूंढ लूंगी। दासी अब आप जहाँ पे भी है प्लीज मुझे बता दीजिए, वहीं पे मैं खुद अभी को ढूंढ लूंगी। चल ठीक है बता दूंगी। सीधे सीधे और अब अपने लेफ्ट लेफ्ट में हूँ।
ये तनु मुझे ढूंढ के प्रज्ञा का शक यकीन में बदल देगी। प्रज्ञा कुछ भी सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे गलत समझे ये मैं नहीं देख सकता। अपनी शामों में हिस्सा फिर किसी को ना दिया, इश्क तेरे बिना भी मैंने तुझसे ही किया। हो नवा मेरी तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। I know it's you. I can feel you. मैंने पहले जानबूझ के ऐसी एक्टिंग की कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, पर मुझे एक्चुअल में सब कुछ दिख रहा है। नहीं नहीं भाभी वही सही है, एक मिनट। अरे नहीं नहीं ये सही डायरेक्शन है। ये मिताली भाभी भी ना, तुम चीटिंग कर रही हो ना, तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। मुझे कुछ नहीं दिख रहा भाभी, सब ठीक है। अरे मुझे सब पता है, तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है। अरे पट्टी लूज हो चुकी है, मैं एक बार फिर से खोल कर ना अच्छे से बांधती हूँ। अरे तनु ये क्या कर रही है तू? एक मिनट, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरी आंखें बंद हुई तो क्या हुआ, मैं अभी को दिल की धड़कनों से पहचान लूंगी। 10-20 क्या, लाखों लोगों की भीड़ में उसे ढूंढ लूंगी मैं। नहीं बोलो जितना कर सको, शो ऑफ करने की क्या जरूरत है।
कमी सा चांद है तू दिल जला सा मैं अंधेरा एक तुझे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा तू घटा I tell you what मैं घड़ी इंतजार की अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना कम टाइम है मेरे मुझे जल्द से जल्द अपना दूसरा काम शुरू करना होगा अब मैं किस रास्ते पर कैसे चल रही हूं ये आप मुझे नहीं बता सकते यादों पर आपका हक है मुझ पर नहीं आप ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि वो मेरे पति हैं आलिया मैम मैम वो दादी ने आप तो मेरा पीछा कर रहे थे नहीं मैम दादी ने कहा था कि तो एक्सक्यूज मत दो और जाओ यहाँ से पर दादी ने कहा मैंने कहा गेट आउट और दोबारा मेरे पीछे मत आना समझे तुम ओके मैम रोटेट करके रखा हुआ है इडियट सोने तो मुझे नींद आ रही है मम्मी मैं भूत नहीं बना मुझे बनाया गया तुझे भूत नहीं तुझे बेवकूफ बनाया गया मैं तो तेरा भरता बनाती हूँ अभी रुक जा तेरा रुक प्रज्ञा दी प्रज्ञा जी एंड मिस्टर किंग आज आप दोनों ने मिताली भाभी वाले गेम को खेलकर गेम में सच में चार चांद लगा दिए लगा ही नहीं जैसे कोई गेस्ट आया है घर पर लगा कि कोई फैमिली मेंबर आया है बिल्कुल फैमिली वाली फील एंड मिस्टर किंग आप बहुत स्पोर्टी हैं थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस एंड पार्टिसिपेटिंग फिरा की बातें करी सीधा मुद्दे पे प्रज्ञा को खेलने के लिए बुला हाँ तो जितनी इन्वॉल्वमेंट से ये बाकी सारे कपल्स के साथ खेल रहे थे उसी तरह अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उतने ही इन्वॉल्व हो जब ये दोनों खेलेंगे हाँ आप दोनों भी अब ये खेल खेलेंगे आप मना कर दीजिए नहीं प्लीज
इट्स अ रिक्वेस्ट, आप दोनों को खेलना है। खेलो ना प्रज्ञा। कहना है? आओ ना प्रज्ञा। क्या हुआ, डर लग रहा है कि कहीं हार ना जाओ? नहीं डर नहीं, बस मुझे नहीं खेलना। खेलना तो पड़ेगा। क्या है कि जब मेरी बारी थी तब तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी ना, अब हमें नहीं हंसाओगी? जोक सपार, वैसे हम सब जानते हैं कि आप दोनों बेस्ट कपल हो दिल्ली के। अब ये देखना है कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, स्पेशली यू प्रज्ञा। दीप प्लीज सोचिए मत, आप आइए ना प्लीज। देखो अगर अब भी नहीं मानी तो मुझे तुम दोनों को चैलेंज करना पड़ेगा। अब तो खेलना ही पड़ेगा। ये चैलेंज में कभी इनकार नहीं करता और हारता भी नहीं। राय ठीक है, गेम मेरा है तो पट्टी भी मैं बांधूंगी ना। जी भाभी, मैं लेकर आती हूँ।